सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अपने टैरो कार्ड रीडर से पूछ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बेटर होने की जगह हो सकता है और ज़्यादा खराब हो जाए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है वैशाली। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है जब लास्ट ईयर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग का हिंदी चैनल बनाया था तो इंडिया में हार्डली ही कुछ टैरो कार्ड रीडर्स थे जो हिंदी चैनल बना रखा था, या बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स जो थे वो ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते थे। लेकिन हम अभी अगर इस साल की बात करें, स्पेशली कोविड के बाद से कम जो मैंने देखा है और शायद इससे ज़्यादा ही होगा, 100 से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। इस केस में क्या है कि अच्छी चीज़ भी है और कुछ चीज़ें खराब भी हैं, बिकॉज अभी जो है आपको बहुत स्मार्ट बनने की ज़रूरत है कि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं, जो बिल्कुल ख़राब चीज़ नहीं है, अगर आपको ख़राब लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सबको सिर्फ ये चाहिए होता है कि हर चीज़ का सलूशन जो है हमें वो बहुत जल्दी मिल जाए। और उससे होता क्या है कि हम टैरो कार्ड रीडर से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि उस टाइम तो हमें 5 मिनट की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, मतलब कि 5 मिनट के लिए आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के 5 महीने तक ख़राब हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको नहीं पूछने चाहिए, बिकॉज पूछने के लिए तो बहुत कुछ होता है, जो नहीं पूछना चाहिए वो बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। और ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और की इंसल्ट कर रही हूँ या किसी और के काम को मैं मना कर रही हूँ कि वो गलत है या वो ख़राब है। ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, जो आजकल एक बार ट्रेंड भी बन चुका है आज के टाइम में, येस एंड नो क्वेश्चंस। येस एंड नो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें आंसर तो बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअलिटी में काला और सफ़ेद नहीं होता है, लोगों को ये समझना चाहिए है। मींस कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए हैं, आपने उनसे अपने रिलेशनशिप को लेके कुछ पूछा है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरह लीजिए कि आप किसी पर्सन के पास गए हैं टैरो कार्ड रीडर के पास और आपने पूछा है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है आपकी इस पर्सन से शादी हो पाएगी। अभी हो सकता है कि उस पर्सन को दिख रहा हो कि आगे चांसेस है, लेकिन आपने येस एंड नो रीडिंग करवाई है, उस पर्सन ने भी आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, तो इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपको मना कर देगा और आप उस कनेक्शन से हट जाएंगे। और देखिए होता क्या है, मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बहुत लोग, और हम में से काफ़ी लोग ये बहुत बार ऐसा करते भी हैं कि हम टैरो कार्ड रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऐसा पर्सन होता है, उसकी बातों को हम पत्थर की लकीर मान लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए येस और नो क्वेश्चंस को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो आपकी जॉब को लेके हो, करियर को लेके हो, लाइफ को लेके हो। कोशिश करें कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके आगे के जो द्वार है, जो आगे का जो रास्ता है ना, वो उसको प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो कम से कम पूछें, या मेरी माने तो मत पूछें, बट इट्स टोटली अप टू यू, बिल्कुल आपके ऊपर है। फ्रेंड्स, मैं भी रीडिंग करती हूँ और मैं भी जब इस तरीके की रीडिंग्स होती है तो मैं लोगों को पहले ही मना कर देती हूँ कि मैं येस एंड नो में आंसर नहीं देती। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर छोटी रीडिंग भी है तो एटलीस्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको कोई येस एंड नो के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है वो चीज़, तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एटलीस्ट वो पर्सन आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ येस एंड नो वाले ही क्वेश्चन हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम ये पूछ लेंगे तो जल्दी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, जो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो टैरो कार्ड रीडर से पूछते हैं कि मैम और सर, हमारे लिए बेस्ट करियर कौन सा रहेगा। ट्रस्ट मी, आप टैरो कार्ड रीडिंग से बहुत कम चांसेस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि चांसेस नहीं है, डेफिनेटली बहुत केसेस में पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली मैं आपको देखो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स हो गए हैं मार्केट में, तो ये आपको अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो क्वेश्चन ही ना पूछे कि जिससे आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो।
बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग कराना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए कि आप खुद जान के गड्ढे में जाके गिरने की कोशिश कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि अगर आपको कभी पता भी करना है कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, तो कोशिश करिए कि आप वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता करिए, कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जो होता है वो ज़्यादा आई एम सेइंग कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है, किस चीज़ में आप अच्छे हो, किस चीज़ में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो, वो 30-40% जो है वो पता चल जाता है, जिससे कि आप आगे का अपना रास्ता देख सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, क्यों? बिकॉज देखिए कि सपोज मुझे किसी ने बताया कि मेरा लाइफ पर्पस जो है वो हीलर है, कि मेरा यहाँ पे लोगों को हील करने का और काउंसलिंग करने का काम है, तो मैं टीचर बन के भी काउंसलिंग कर सकती हूँ, स्कूल में काउंसलर बन के भी कर सकती हूँ, मैं प्रोफेसर भी बन सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ अगर मैं सिर्फ हीलिंग वाले प्रोफेशन में ही जाना चाहूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं अच्छी हूँ, जो मुझे पसंद है, मैं उसी दिशा में उसी फील्ड में जाऊँगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपको नहीं पूछना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं हम, हमारे हस्बैंड का जो गर्लफ्रेंड है या जो भी पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं। आप मेरे पास अपनी रीडिंग कराने आ रहे हो तो आप मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं आपकी एनर्जी देख सकूँ स्पिरिचुअल लेवल पे। लेकिन उस पर्सन ने मुझे अपनी परमिशन नहीं दी है तो वो चीज़ हम नहीं देख सकते। तो लोग पूछते भी हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि सिर्फ 5-10% ही चांसेस है कि आप देख सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं उनको इतनी एंजाइटी होती है कि मना करने के बावजूद भी वो जानना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, 10 बातें सोचोगे, बिकॉज पता नहीं आपको दूसरे टैरो कार्ड रीडर या मैं भी हूँ क्या बताऊँ आपको, आपको नहीं पता। तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए जो लोग आपकी लाइफ से जुड़े हैं। सपोज आप अपने पर्सन के बारे में, पार्टनर के बारे में पूछ सकते हैं, अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसका आंसर तो आप सोच लो कि हार्डली ही आपको मिलेगा टैरो कार्ड रीडिंग में। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम एग्जैक्ट डेट क्या है जब हमारी शादी होगी, या एग्जैक्ट डेट क्या है जब हमारी जॉब लगेगी या हम सक्सेसफुल मिलेंगे। तो अगेन वही सेम चीज़, देखिए आप इस प्लैनेट पे, आप इस धरती पे आए हो अपने कर्म करने, चीज़ों को सीखने। हर एक चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। सपोज़ मुझे पहले से ही सब कुछ पता चल गया है कि एक बच्चा है, उसको बचपन में बता दिया कि उसको बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना है या वो बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चा उस तरीके से पढ़ाई नहीं करेगा, या जो उसको लेसन सीखने हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए और उसके बाद जो उसको लोगों को हेल्प करनी है, उससे जुड़े जुड़े जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं गेन करेगा। तो यही रीज़न होता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग से एग्जैक्ट डेट नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये मैं बात हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि 50% हमारी लाइफ जो होती है वो पूर्ण निर्धारित होती है, हमारी डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है, और बाकी की 50% जो है वो हमारा कर्म है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं चीज़ें जो है वो बदलती है। तो अगर मैं आपको बात भी कुछ बता रही हूँ तो कुछ ना कुछ आप 5% या 10% ऐसी चीज़ करेंगे कि चीज़ों में बदलाव आएगा, तो वही चीज़ होती है। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको नहीं पता चलती है, तो कभी भी किसी से एग्जैक्ट डेट जो है वो बिल्कुल भी मत पूछिए। और अगर आपको कोई बता भी रहा है तो सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेट बता रहा है तो बिल्कुल मत सुनो, ठीक है, दिमाग में एक साइड रखो, बट उस चीज़ पे फोकस मत करो कि हाँ इस पर्सन ने यही बोला तो इसी दिन होगा। बिकॉज आई हैव सीन कि कुछ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने Etsy.com से किसी बाहर की आउट ऑफ इंडिया के एक टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग कराई, जस्ट बिकॉज मुझे शौक है इस चक्कर में, बट अल्टीमेटली उस पर्सन ने मुझे सिर्फ 1 word आंसर दिया। तो 1 word आंसर रीडिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 word में आप किसी को क्या बताओगे। और आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फ्रेंड ने एक रीडिंग कराई थी, उसने किसी से ये पूछा कि व्हेन विल आई मीट माय सोलमेट, मैं अपने सोलमेट से कब मिलूंगे, तो उन्होंने सिर्फ उनको एक शब्द में आंसर लिख के दिया, सून। तो आप ये देखिए कि इस तरीके की रीडिंग आप मत कराइए, क्योंकि ऐसे में ना तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ना ही गाइडेंस मिलेगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इन सारी चीज़ों से। तो इनसे बचें जितना हो सके, इस तरीके के क्वेश्चंस को मत पूछें। देखिए मैं खुद एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरे पास दिन में 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी चीज़ों को
एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं हर किसी पर्सन को नहीं बता सकती कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं क्या क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। जिनको मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ बताती भी, उनमें से काफ़ी लोग जो होते हैं उनको ये लगता है कि शायद मैम बताना नहीं चाहती हैं या कुछ ना कुछ रीज़न है, तो सी वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप इस वजह से किसी और पर्सन को ब्लेम करें कि उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप ये चीज़ों को मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। उसके बाद जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं जो नहीं पूछना चाहिए, कि मैम हमारे सोलमेट का नाम क्या है। अगर सोलमेट का नाम पता होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल देती और एक यू नो एक वर्ल्ड टूर पे चली जाती देखने के लिए। तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये बिल्कुल भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप बिल्कुल भी मत पूछें। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग कराएंगे, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग कराना कोई ख़राब बात नहीं है, मैं भी कराती हूँ गाइडेंस के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप गाइडेंस के लिए टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से लेके गाइडेंस देना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन येस, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर शेयर करेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।